अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हुरम्स किचन में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही इजीली बनने वाली है और बच्चों बच्चों में ये बहुत फेवरेट है। जी, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ होममेड मार्शमेलो की रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्शमेलो बनाने के लिए हमें जो इन्ग्रीडियंट्स चाहिए, उनमें 1 कप चीनी, 2 टेबल स्पून जेलेटिन पाउडर, जेलेटिन आपको किसी भी ग्रोसरी स्टोर से इजीली मिल जाएगी, 1 कप पानी, ये मैंने मेजरिंग कप से मेजर करके लिया है, और कुछ वनीला एसेंस के ड्रॉप्स, और ये फूड कलर है। अगर आप प्लेन बनाना चाहते हैं तो प्लेन भी बना सकते हैं, बट मैं कुछ थोड़ा सा इसमें कलर ऐड करूँगी, रेड रेड और वाइट, ठीक है? तो इसलिए मैंने ये रेड कलर चूज़ किया है। आप ग्रीन भी ऐड कर सकते हैं, येलो भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने रेड चूज़ किया है। और जेलेटिन मैंने ये ब्रांड की यूज़ कर रही हूँ, बट आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं अच्छी ब्रांड की हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक पैन, 1 कप पानी ऐड कर देंगे और उसको बॉयल आने तक गर्म करेंगे, मिक्स कर देंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो बाकी का पानी है उसमें हम 1 कप शुगर ऐड करेंगे। हमें जितनी थिक चाहिए थी, ये देखिए इतनी थिक हो चुकी है। अब हम इसमें जेलेटिन का मिक्सचर ऐड करेंगे और उसको मज़ीद 3 से 4 मिनट तक पकाएंगे। इस स्टेज पे हम इसको उतार लेंगे और इसको एक बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब हम इसको इलेक्ट्रिक बीटर मदद से 4 से 5 मिनट के लिए बीट करेंगे, 1 मिनट के लिए पहले स्लो पे, फिर उसके बाद फास्ट पे। अब हम इसमें कुछ ड्रॉप्स वनीला एसेंस पे डाल देंगे। इसको फिर व्हाइट होने तक बीट करेंगे, क्रीमी होने तक। हमें इतना क्रीमी टेक्सचर चाहिए इसका, आप देख सकते हैं। अब हम ये केक पैन लेंगे, इसको हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल से ताकि जेलेटिन चिपके ना। आपने इसके कॉर्नर्स को भी अच्छी तरह ग्रीस करना है।
फिर हम इस मोल्ड में जेलेटिन को डाल देंगे। टू थ्री ड्रॉप्स इसमें रेड कलर के ऐड करेंगे और उसको इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से फिर बीट करेंगे। बस इतना ही, अब हम इसको भी मोल्ड में डाल देंगे। हम इसको 2 आवर्स के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रखेंगे। मार्शमेलो रेडी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। उसके लिए पहले हमें इस पर डस्ट करना पड़ेगा कॉर्नफ्लोर, क्योंकि ये बहुत स्टिकी होती है, ऐसे ही निकलेगी नहीं मोल्ड से। हाथ से इसके चार्ज पे सब लगा देंगे, उसके कॉर्नर्स को ऐसे छुड़ा लेंगे। ठीक है, उसको स्पैचुला की मदद से उठा लेंगे ऊपर से। अब इसके लिए हम एक ट्रे ले लेंगे, उस पर भी हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डस्ट कर लेंगे ताकि चिपके ना। लीजिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त, देखिए सॉफ्ट एंड फ्लफी मार्शमेलो रेडी है। अब हम इसको क्यूब्स में कटिंग करेंगे। व्यूअर्स, इसकी कटिंग थोड़ी ट्रिकी होती है क्योंकि ये चिपक जाती है नाइफ के साथ। इसके लिए हमें एक ट्रिक यूज करना पड़ेगी, नाइफ पे हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लगा देंगे। तो लीजिए व्यूअर्स, हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मार्शमेलो रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट फ्लफी है। इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, देखिए जैसे मार्केट में मिलते हैं बिल्कुल एज इट इज़ है। इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें,
खुद भी इंजॉय करें, बच्चों को भी इंजॉय करवाएं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, दोबारा मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।